हेलो बच्चों, मैं आपका टीचर आशीष गुलिया। आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ डी ब्लॉक के बारे में, और डी ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास रहती हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट की। यानी कि भाई देखो भाई, हम इंडिविजुअल ग्रुप की प्रॉपर्टीज के बारे में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ जो डी ब्लॉक के अंदर आपको कॉमन प्रॉपर्टी, यानी कि हर किसी डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ या हर किसी एक दूसरे तीसरे एलिमेंट में वो प्रॉपर्टी जो आपको देखने को मिलेंगी, अब उनके बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है जो सबसे पहली चीज हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको दो चीजें ऐसे देखने को मिलेंगी। पहली चीज कि सबकी आउटर मोस्ट में, अब देखो आपने पी ब्लॉक के अंदर पढ़ा और जब आपने एस ब्लॉक के अंदर पढ़ा, तो जब आउटर मोस्ट सेल में आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे थे और उनको आपने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू ग्रुप, वहां पे आपने डिस्कस क्या किया था, अकॉर्डिंग टू ग्रुप, टॉप टू बॉटम। यहां जो है हम डिस्कस कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ये ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, मैं दोबारा से बता रहा हूं कि एस ब्लॉक, एनपी ब्लॉक, ठीक है, आप स्टडी करेंगे टॉप टू बॉटम, बट डी एंड एफ ब्लॉक डी एंड एफ ब्लॉक को आप स्टडी करेंगे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टी होंगी जो हमारे यहां बड़े काम के आने वाली हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखना स्टार्ट करते हैं, लिखो द प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट D block elements to give period R periods are not so much different from one another as those same period of known transition element नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आता है भाई, और जो हमारे लिए क्या रहेगा, एक फैक्ट। ठीक है, और आप इसके आपके लिए क्या हुआ है कि रिमेंबर पॉइंट। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले मुझे क्या पता चला, द प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट की, जो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी है ऑफ गिवन द पीरियड आर नॉट शो, यहां पे पीरियड क्या करेंगे आपके, नॉट शो एंड मच जो डिफरेंट फ्रॉम द वन अनदर एज दो सेम पीरियड द नॉन ट्रांजेक्शन एलिमेंट। यानी कि इनको शो करने के लिए किसी डिफरेंट पीरियड डिफरेंट ग्रुप की हमें जरूरत नहीं है। हमें जब इनको शो करना होगा या जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी किसके, ये इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी किनके,
जो नॉन ट्रांजेक्शन एलिमेंट है उसी सेम पीरियड में। अब जैसे मान लो वहां से हमारा थर्ड पीरियड स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स के लिए हम यहां से आपसे बात कर रहे हैं, मान लो हम थर्ड पीरियड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट टू एलिमेंट कौन से, पोटासियम एंड कैल्शियम, ये दोनों के दोनों कैसे होंगे भाई, ये दोनों कैसे होंगे, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। बट जब इससे अगले दस एलिमेंट कौन से दस एलिमेंट, स्कैंडियम टू जिंक, अब ये कैसे आएगा इसके अंदर, ट्रांजिशन एलिमेंट। बट उसके बाद फिर आप जाते हो इसी में आगे 31 से आगे जाओगे, यानी कि जब आपका पी ब्लॉक स्टार्ट होगा, ठीक है, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18, ठीक है, एंड सेम आपके पास कैसे होंगे, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इस बात को आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। देखो अब आया आपको समझ में, ये कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट गिव पीरियड, पीरियड में आप कहां चलेंगे जब आप मूव करेंगे, पीरियड की बात कर रहा हूं, पीरियड में कहां जाएंगे आप, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे आप, ये हमेशा याद रखें, ठीक है। आर क्या करेंगे, नॉट शो मच डिफरेंट, उनके अंदर कोई ऐसा डिफरेंस शो नहीं करेंगे फ्रॉम वन जो अनदर, दो द सेम पीरियड के अंदर नॉन ट्रांजेक्शन एलिमेंट, यानी कि उसी पीरियड में ट्रांजेक्शन एलिमेंट में मिलेंगे और उसी पीरियड में आपको नॉन ट्रांजेक्शन एलिमेंट में मिलेंगे। इनफैक्ट पहले आपको नॉन ट्रांजेक्शन, फिर ट्रांजेक्शन, फिर दोबारा से क्या मिलेंगे आपको, नॉन ट्रांजेक्शन एलिमेंट्स आपको मिलेंगे यहां पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास सबसे बड़ा फैक्ट कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे दैट वो क्या होंगे, विल बी सेम, वो चेंज होंगे नहीं, क्यों, क्योंकि लास्ट जो आपके पास ऑर्बिटर है वो एस वाला आता है, ठीक है, 4s2 5s2 6s2 7s2 8s2, तो उसका लास्ट ऑर्बिटल है भाई साहब वो ऑलरेडी क्या है, फुलफिल रहेगा, 4s2 या 5s0 5s1 5s2 या s0 s1 s2, इस तरह की आपको कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। मोस्टली केसेस में s2 रहने वाला है, हाफ फिल्ड की बात आएगी वहां पे s1 रहने वाला है, और जब फुल्ली फिल्ड की बात आएगी तो ऑलरेडी s2 होने वाला है। तो अदरवाइज बाकी केसेस के अंदर क्या होगा कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सेम। लिखो कि इट इज ड्यू द फैक्ट, आपके पास फैक्ट होगा द ट्रांजेक्शन एलिमेंट, ठीक है, इट इज फैक्ट ऑन द ट्रांजेक्शन एलिमेंट, is no change in number of electron of outermost cell n नंबर आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या होता है, n-1 × d 1 to 10 outermost cell only change and
ओनली चेंज एन माइनस वन इन टू डी वन टू टेन वन टू टेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट अलोंग द पीरियड. ठीक है भाई, ये दो बातें हैं जो हमारे क्या होंगी, डीप जनरल प्रॉपर्टीज रहेंगी सबसे पहले. ठीक है, जो कि आप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और ये आपके पास एक फैक्ट बनता है ना कि पॉइंट नंबर टू जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि द ट्रांजेक्शन एलिमेंट इज नो चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल, यानी कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे भैया उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा. चेंज होगा n माइनस वन इन टू डी, यानी कि d के अंदर तो चेंज होगा. किस पे डिपेंड करेगा, फ्रॉम एलिमेंट एंड एलिमेंट टू एलिमेंट, यानी कि स्कैंडियम की बात कर रहे हो, फिर आप कैंडियम पे आते हो, क्रोमियम पे जाते हो, कॉपर पे, जिंक पे, प्लेटिनम पे, प्लेटिनम पे, किसी भी आप एलिमेंट पे जाते हो तो वहां पे आपको जो देखने को मिलेगा वो एलिमेंट टू एलिमेंट अलोंग द पीरियड, यानी कि आपको लेफ्ट से चलना है और राइट तक जाना है. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लेफ्ट टू राइट, इस तरीके की जब आप प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे. ठीक है, तो दो प्रॉपर्टीज आपकी सेम रहने वाली हैं, एक तो आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन और दूसरा आपके पास मैंने आपको बताया कि उसी पीरियड में आपके पास ट्रांजेक्शन एलिमेंट के साथ एज वेल एज नॉन ट्रांजेक्शन एलिमेंट भी आपको उसी पीरियड के अंदर मिलेंगे. नोट करें, फिर क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं.